देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू कलां पैक्स डायरेक्टर पद के चुनाव संपन्न, 6 का हुआ चुनाव, 4 बने निर्विरोध। दी भट्टू कलां पैक्स प्रबंधन कमेटी डायरेक्टर पद का चुनाव संपन्न हो गया। भट्टू कलां में शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर मोहनलाल ने बताया कि इस चुनाव में 6 डायरेक्टर चुने गए हैं। इससे पूर्व 4 डायरेक्टर निर्विरोध चुने जा चुके हैं। पैक्स प्रबंधक कमेटी के हुए मतदान में 7 गांव के 5 बूथ बनाए गए थे। इस चुनाव में कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले 6 को डायरेक्टर पद के लिए चुना गया। पैक्स समिति चुनाव में इंस्पेक्टर मोहनलाल ने विजयी उम्मीदवारों के नाम घोषित करते हुए बताया कि सत्यवान सिहाग भट्टू कलां से 227 वोट, महावीर शेखुपर दड़ोली ने 202, आत्माराम बनमंदोरी ने 183, पूर्णमल भट्टू कलां ने 105, राम कुमार बनमंदोरी ने 83, मांगेराम पीली मंदोरी ने 63 वोट लेकर जीत हासिल की। इस प्रकार 4 सदस्य पूर्व में ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिनमें जगदीश भद्रेचा, हनुमान बारूपाल, सुमित्रा देवी, पांचो देवी को चयन किया गया है। ये 10 सदस्य अब पैक्स प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन का चुनाव करेंगे। इस दौरान पैक्स इंस्पेक्टर राममूर्ति, इंस्पेक्टर शिव कुमार, प्रबंधक पवन कुमार सहित पैक्स के अनेक कर्मचारी मौजूद थे। क्या कहा चुनाव अधिकारी ने, सुने उन्हीं की जुबानी। एक नंबर पर आया जी सत्यवान पुत्र ओम प्रकाश, 227 वोट, विजय जी। उसके बाद है जी 202 वाला कौन जी, महावीर पुत्र देव श्री राम, 202। और तीन नंबर पर है जी आत्माराम पुत्र पुरखाराम, 183। फिर है जी पूर्णमल पुत्र राममूर्ति, 105। फिर है जी राम कुमार पुत्र बालूराम, 83। 63 पे है जी मांगेराम पुत्र रामस्वरूप, 63। ये 6 विजय। भट्टू कलां में जब सेवानिवृत्त होकर पहुंचे कैप्टन राकेश ढाका तो हुआ भव्य स्वागत, सम्मान में शोभा यात्रा निकाली। भट्टू कलां में शुक्रवार को कैप्टन राकेश ढाका 30 साल की भारतीय सेना में सेवा देकर जब सेवानिवृत्ति हो भट्टू कलां में पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके सम्मान में शोभा यात्रा भी निकाली गई। उनके स्वागत में गौरव सैनिक संगठन के पदाधिकारी व सदस्य जहां मौजूद रहे, वहीं भट्टू कलां गांव के पूर्व सरपंच रोशनलाल साईं, भट्टू मंडी के पूर्व सरपंच बंसीलाल ने कार्यक्रम की अगुवाई की। प्रोग्राम की अध्यक्षता गौरव सैनिक संगठन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ढाका ने की। संचालन भट्टू डिफेंस अकेडमी के कोच नवीन व अमित कोच ने किया। सेवानिवृत्ति हुए राकेश ढाका ने बताया कि 1992 में वे यूनिट 11 जाट रेजिमेंट में बरेली में सिपाही सैनिक पद के तौर पर भर्ती हुए। अब वे बरेली से ही सेना में कैप्टन पद के तौर पर सेवानिवृत्ति हुए हैं। उन्होंने कहा कि फौज में 30 साल मुझे सेवा करने का मौका मिला, देश की सभी सीमाओं पर वे सेवा दी। उनके आगमन पर गाँव के बुजुर्गों, युवाओं ने व पूर्व सैनिकों ने इतना मान सम्मान दिया जिसके वे हमेशा आभारी हैं। कैप्टन ने कहा कि वे आगे का अपना जीवन युवाओं को देश की रक्षा के लिए तैयार करने में लगाएंगे। इस अवसर पर नरेश बांगड़वा, बाल सिंह जांगड़ा, अनुराग भांबू, रामेश्वर साई, रामस्वरूप सिहाग, सूबेदार दशरथ सिहाग, सूबेदार महेंद्र सिंह, हरपाल ढाका, रमेश साई, सुरेंद्र साई, दिनेश माचरा, विनोद माचरा, सतवीर पोटलिया, नरेश बुढ़ानिया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। भट्टू कलां मार्केट कमेटी सचिव दिलावर सिंह का हुआ तबादला। भट्टू कलां के मार्केट कमेटी सचिव दिलावर सिंह का शुक्रवार को तबादला हो गया। विभागीय आदेशानुसार मार्केट कमेटी सचिव दिलावर सिंह को भट्टू कलां से तोशाम मार्केट कमेटी सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि तोशाम से मार्केट कमेटी सचिव
मनजीत सिंह को भट्टुकला मार्केट कमेटी सचिव नियुक्त किया गया है। भट्टुकला के मार्केट कमेटी सचिव रहे दिलावर सिंह ने कहा कि उन्होंने ईमानदारी के साथ अपना विभागीय कार्य किया, सरकारी आदेशानुसार उनका तबादला हुआ है, वे जहां भी जाएंगे अपना ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। तबादला होना भी एक ड्यूटी का हिस्सा है, जिसमें आज यहां तो कल वहां जाना पड़ता है, मगर जहां भी रहेंगे अपने कार्य में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। भट्टुकला में एक परिवार के लिए वरदान बनी डायल 112, घर से लापता 3 बच्चों के परिजनों तक सैकुशल पहुंचाया। अपराधियों की धरपकड़ के साथ साथ पुलिस की डायल 112 सेवा जरूरतमंदों के लिए भी किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। मुसीबत के समय लोगों की सहायता को तत्पर रहने वाले इस सेवा ने भट्टुकला में घर से लापता हुए 3 मासूम को वीरवार देर सायं उनके परिजनों तक सकुशल पहुंचा, परिवार में खुशियां लौटाई। इस पर बच्चों के परिवारों ने फतेहाबाद पुलिस का आभार जताया। भट्टू मंडी स्थित माचरा मंडी निवासी एक व्यक्ति के 3 बच्चे 4 वर्षीय अभिषेक, 3 वर्षीय आशीष व 2 वर्षीय लड़की चांदनी है। बच्चों के माता पिता वीरवार सुबह काम के लिए गए थे, तो उसी दौरान उसके 3 बच्चे खेलते खेलते घर से दूर चले गए। उन्होंने जब बच्चों के घर से लापता होने की सूचना मिली तो परिवार जनों ने तीनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी। तीनों बच्चे चलते चलते भट्टुकला के चोपटा कैंची चौक पर पहुंच गए। यहां किसी व्यक्ति ने बच्चों को अकेले देखा तो इस बारे डायल 112 पर सूचना दी। पंचकुला हेडक्वार्टर से इस बारे जिला मुख्यालय को सूचना भेजी गई। इस पर डीओ डीसीआर एचसी अनिल कुमार के सहयोग से डायल 112 की ईवीआर 214 गाड़ी पर तैनात इंचार्ज राममूर्ति व चालक शिव शंकर को तुरंत उस जगह पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों बच्चों को पहले कुछ खाना खिलाया और पूछताछ की, लेकिन बच्चे परिजनों के बारे में कुछ बताने में असमर्थ थे। इस पर पुलिस कर्मचारियों ने तीनों बच्चों को गाड़ी में बैठाया और आसपास पूछताछ की व गाड़ी के माध्यम से मुनियादी भी की। इसी दौरान बच्चों के परिजनों को सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे। परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने तीनों बच्चों को परिजनों को सौंप दिया। तीनों बच्चों को सकुशल देखकर परिवारजनों में खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने इसके लिए पुलिस कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया। सभी क्षेत्रवासियों को शगुन फैशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहां पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निकल टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। प्रोप्राइटर हैं डॉक्टर प्रताप सांगर और